ये क्या कर रही थी शीशे में देख के? ऐसे कपड़े पहन के लड़कियां बाहर नहीं जाती, लड़कियां घर में रहती है हमेशा। ओके, समझ गई? पापा, रुको रुको, क्या करना है कॉलेज जाके तुमने? लड़कियों को सिर्फ घर के काम आने चाहिए, अच्छा? समझी मेरी बात? समझी मेरी बात? पर पापा, किससे बातें कर रही हो? फोन रखो, तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया, हमें लड़का पसंद है, अगले महीने तुम्हारी शादी है। पर भैया, हमें पोता ही चाहिए, अगर लड़की हुई तो गिरा देना। पर माँ जी, हमारा बेटा पागल नहीं है तो तुम पे बेवजह हाथ उठाएगा, जरूर इसमें तुम्हारी कोई गलती होगी। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ अपने घर। सत श्री अकाल जी। नमस्ते। ये वीडियो जिहड़ी बनाई आ वूमन गैग, औरत दे मुँह ते हाथ जा उहदी आवाज़ नूं दबणा, बहुत अर्ली स्टेजिस तों मर्द ते औरत रोल प्ले करदे ने वूमन दी आवाज़ नूं दबण लई, ते काफ़ी देर नाल समझ आउंदी है इस चीज़ दी। ये जो हमने आज वीडियो बनाई है जिसमें एक औरत के ऊपर उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा है, एक तरह का दर्शाना है कि किस तरह कितनी एजेस में, कितनी डिफरेंट स्टेजेस में एक औरत की आवाज़ को दबाया जाता है, उसके इमोशंस को दबाया जाता है, चाहे वो ऑनर या इज्जत का सहारा ले, चाहे ट्रेडिशन या रिवाज का, आईटी का, लोक लाज का, चाहे वो नॉर्म हो जिसे हम दस्तूर कहते हैं, चाहे वो फियर हो जिसे हम डर कहते हैं। मॉरल ये है भी एक औरत की जिंदगी दे विच एक औरत भी उन्हें रोकती है, एक मर्द भी उन्हें रोकता है, खुद अपनी औरत की जिम्मेवारी बनती है वे अपने लिए स्टैंड लवे, पर जिहड़े आले दुआले उहदे मर्द ने, उहदा सहुरा, उहदा प्यो, उहदा भाई, उहदा हसबेंड, उन्हां सारिआं नूं आ जिहड़ियां चीज़ां ने आ हथ नूं हटाउणा पैणा, ते उहदे लई जरूरी है भी आपां ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀੜ ਫਾੜ ਕਰੀਏ।